बेटे का अपने हाथों लिखा खत आया था। कह रहा था कि पापा इस दिवाली बम दुश्मन के साथ नहीं हमारे साथ फोड़ना। दोस्तों सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की लास्ट फिल्म थी लाइगर, जो कि एक पैन इंडिया फिल्म थी। जिस तरीके से लोगों में इस मूवी को लेकर एक्साइटमेंट बनी थी, इस मूवी ने थिएटर पर वैसे प्रेजेंट कर नहीं सकी और इस मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो गई थी। तो दोस्तों पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके विजय देवरकोंडा अपने नया मूवी के साथ फिर से हम सबके बीच में आने जा रहे हैं। विजय देवरकोंडा की ये मूवी दूसरी पैन इंडिया मूवी होने जा रही है। ये मूवी हमारे आर्मी पर बेस्ड होने जा रही है। इस मूवी में विजय देवरकोंडा एक आर्मी कमांड के रूप में दिखाई देने वाले हैं और इस मूवी के नाम होगा JGM यानी कि जनगणमन। इस मूवी के नाम से ही पता चलता है कि ये मूवी पूरी तरीके से इंडियन आर्मी पर बेस्ड होने जा रही है। अगर बात करें तो इस मूवी के कास्टिंग की तो हमें इस मूवी के मेन रोल पर विजय देवरकोंडा देखने को मिलेगा और इनके साथ फीमेल कास्टिंग पर पैन इंडिया एक्ट्रेस पूजा हेगड़े और जानवी कपूर दिखाई देने वाली है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है साउथ के बड़े डायरेक्टरों में से एक पुरी जगन्नाथ ने। अब बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी की तो ये एक मिलिट्री बेस्ड फिल्म होने जा रही है, इसलिए इस मूवी में हमें कम्प्लीट एक्शन देखने को मिलेगा, साथ में विजय देवरकोंडा की मस्त एक्टिंग भी देखने को मिलेगा। और बात करें तो इस मूवी की बजट की, वैसे तो ये मूवी पैन इंडिया फिल्म होने जा रही है तो आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि मूवी के बजट भी बड़े ही होगा। आपको बता दूं कि इस मूवी के बजट 100 करोड़ के आसपास होने जा रही है, जिस वजह से विजय देवरकोंडा की हाईएस्ट बजट फिल्मों से एक बन जाएगी। रिलीज डेट की बात करें तो इस मूवी की पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है जो 2023 की मिड तक खत्म हो जाएगी, जिसके बाद ये मूवी 3 अगस्त 2023 पर सिनेमा घरों में देखने को मिलेगा। साथ ही बात करें तो फिल्म के हिट और फ्लॉप होने की तो ये एक पैन इंडिया फिल्म होने जा रही है और हमारे इंडियन आर्मी पर बेस्ट मूवी होने वाली है, इसलिए इस मूवी के साथ ऑडियंस की इमोशन भी जुड़ जाएगी। जहां पर इंडियन आर्मी का नाम आ जाता है वहां पर फिल्म जरूर हिट होगी। विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छे है और इनके पर्सनैलिटी और लुक्स के तो लोग दीवाने हैं। फिल्म में पहली बार विजय देवरकोंडा एक आर्मी ऑफिसर के रोल प्ले करने जा रहे हैं, इसलिए इनके फैन में एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल के दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग कितने एक्साइटेड हो नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर इसी चैनल में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स।